नमस्कार विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। सभी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है जो अभी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी की गई है, और वो सूचना यह है कि आपने जो पशु परिचर के फॉर्म भरे थे, उस पशु परिचर के फॉर्म में आपको जो समस्या आ रही थी, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे, और वो विद्यार्थी जो परेशान हो रहे थे उनका निराकरण कर दिया गया है। और यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरा था पशु परिचर का, पशु परिचर के फॉर्म में एक विड्रॉ वाला ऑप्शन था और एक व्यू वाला ऑप्शन था। कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया था कि वो विड्रॉ वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक कर दिया था, जिसके कारण उनका जो फॉर्म था वो सबमिट नहीं हो पाया और वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे राजस्थान में इस समय, तो उन विद्यार्थियों के मन में एक शंका थी, एक चिंता थी कि मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि फॉर्म की डेट भी नहीं बढ़ी थी और उसका दोबारा से भरने का मौका भी नहीं मिला था उनको। तो उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर एक ट्वीट करके श्री आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, लगभग 5:30 बजे का ट्वीट है, और उन्होंने बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने विड्रो वाला ऑप्शन जो था वो क्लिक कर दिया था, जिससे उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, उनके लिए दोबारा से हम मौका देंगे और दोबारा से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो विद्यार्थी टेंशन में आ रहे थे कि हम परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए आलोक राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है सभी विद्यार्थियों के लिए। देखो, पशु परिचर परीक्षा में जिन आवेदकों ने अपना ऑनलाइन फॉर्म गलती से विड्रॉ कर लिया है, उन्हें हमने एक मौका दिया है और एक मौका देने का फैसला किया है। आपको हमारी वेबसाइट पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। जय हिंद। ये बात लिखी है श्री आलोक राज जी ने, जिसमें यहाँ पर एक परीक्षार्थी है, एक आवेदन करता है, जिससे ये गलती हुई थी, उसने एक पत्र लिखा था महोदय जी को और चेयरमैन को, इन्होंने अधीनस्थ बोर्ड के लिए पत्र लिखा था, उसमें इन्होंने बात रखी थी कि मेरा फॉर्म जो है वो गलती से विड्रॉ हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरा भविष्य का सवाल है। लगभग 18 लाख फॉर्म आए हैं, उसमें कुछ विद्यार्थियों के, कुछ स्टूडेंट के फॉर्म जो हैं उनमें ऑप्शन विड्रॉ वाला उन्होंने जब क्लिक कर दिया था तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था। तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए श्री आलोक राज जी ने ये काम किया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने विड्रॉ वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया था, जिससे उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा, वो दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आलोक जी का राजस्थान के सभी प्रदेश के विद्यार्थी जिनका ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थियों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि एक विद्यार्थी जो पूरे तैयारी करता और वो तैयारी कर रहा है, रात दिन एक कर रखा है उसने, मेहनत कर रहा है, और उसका फॉर्म अगर फिल नहीं हो रहा है और फॉर्म उसका सबमिट नहीं हुआ है, तो उसके लिए चिंता का विषय था वाकई में। उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और उसके लिए आलोक राज जी को बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया विद्यार्थी हित में। तो सभी विद्यार्थी इस पर जरूर ध्यान दें कि जो फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ था, वो विद्यार्थी ऐसे उसको जांच लें एक बार कि मेरा फॉर्म सबमिट है या नहीं है। जिनका ये विड्रॉ वाला ऑप्शन क्लिक हो गया था, वो एक बार उनको फॉर्म भरने का मौका सरकार और देगी, जिसका खुद आलोक राज जी ने ट्वीट किया है। तो इसको वो सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। उन्होंने लिखा है कि हमारी वेबसाइट पर, हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको जल्द ही इसकी सूचना मिल जाएगी। तो यहाँ पर जल्द ही सूचना वो डाल देंगे, आप वेबसाइट को विजिट करते रहें, और जो भी विद्यार्थी जिनसे ये गलती हुई है उनके लिए सुनहरा अवसर है, दोबारा से फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।